बोलो क्या किया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने। बोलिए लास्ट क्लास में क्या किया था। सर असाइनमेंट सिक्स डिस्कस किया था और प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ हाइट पे कुछ 3 केसेस डिस्कस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अच्छा तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने असाइनमेंट नंबर 6 डिस्कस किया था हाँ और सर उसके और बाद असाइनमेंट सेवन प्रोजेक्टाइल किया फ्रॉम अ हाइट पढ़ाया था है। यस सर और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे यस सर और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट पे असाइनमेंट भी दिया था असाइनमेंट हाँ सर आज के लिए मतलब उस दिन। नंबर 7 यस सर उसको डिस्कस करना है। हाँ सर बोलिए क्या क्या डाउट है जल्दी से। अपने वन मिनट सर वन टू अपने फोर डाउट्स निकाल लिए असाइनमेंट नंबर 7 के। अपने सर टू वन टू फोर सर नाइन्थ टेंथ असाइनमेंट नंबर 7 9 10 इलेवेंथ 3 थ्री 11 फोर्टीन 3 कौन सा 14 14 1 4 14 सर वन टू फोर्थ और सर वन टू ट्वेल्थ फोर चलो वन टू फोर 1 2 4 बाप रे वो कैसा करेगा भाई। देखो जरा सा कुछ सोचो 1 3 4 फिफ्टीन देखो 15 क्वेश्चन में से कितने पूछ लिए तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 में से 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। तुम बताओ मुझे गुस्सा होना चाहिए कि नहीं सोच के बताओ। सर हाँ बोलो 15 में से 10 क्वेश्चन डाउट पूछोगे क्या फायदा पढ़ाने का। मेरा क्या है मैं तो बता दूँ प्रॉब्लम है नहीं। 15 में 2 3 डाउट 10 क्वेश्चन डाउट है व्हेन समथिंग इज गोइंग रॉन्ग यू गाइस आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली वो भी तब जब असाइनमेंट के क्वेश्चन का लेवल बहुत 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 मॉडरेट है। चलो कोई नहीं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अ बॉल रोल्स ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इफ स्टेप्स आर 8 मीटर हाई एंड 2 मीटर वाइड देन द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ एनी स्टेप इफ। ऐसा मतलब है इसका लाहत से बॉल यूएस पी से रुलवा लाहा पर जाके कहता है एनएच स्टेप में यही क्वेश्चन है ना जिसने पूछा है। सर तो एनएच स्टेप के एज पे जाके गिरा इसका मतलब क्या हुआ ये वर्टिकल हाइट एन टाइम एच के बराबर होगी ये वाली वर्टिकल हाइट और ये वाला हॉरिजेंटल डिस्टेंस एन टाइम्स विड्थ के बराबर होगा वो भी हर स्पीयर की हाइट एच और विड्थ डब्ल्यू है ऐसा है। तो ये हाँ केस वन हो गया बोलो केस वन है जिसकी ये हाइट है जिसका ये रेंज है इनिशियल वेलोसिटी यू पूछा है। जवाब
एन एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से मुझे मिल गया टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एन एच अपॉन टी, और जो रेंज है एन डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा यू इन टू टी सर बोलो सर जैसे फर्स्ट लाइन में टी का स्क्वायर था तो टी करने के लिए आपने अंडर रूट लिया, सेकंड लाइन में आपने यू को और बाकी को अंडर रूट क्यों लिया, मेरे को वो नहीं समझा। अरे हाँ यू में अंडर रूट तो लिखा यू इनटू टी है ना, टी में ऐसा लिखा टी की जगह ये सब है ना भाई, कैसी बात करता है कोई अच्छा समझा सर, समझ गया हाँ सॉरी। ये एन अंदर गया तो एन एच पर, ये एन गया तो एन टी अपॉन एच, ऐसा कुछ है आंसर अंडर रूट एन जी सर अपॉन सर। हाँ वो टू किधर गया सर, सर अरे रुक जा टी में लिखा है यहाँ टू, ये टू यहाँ होगा, ठीक है यह है आंसर। आंसर चेक करके बताओ ओ भाई साहब, पर आंसर एन में दिया सर, एन में दिया आंसर, एन में दिया आंसर, एन में अरे एन तो ढूंढना है। हाँ अच्छा एन ढूंढना है यू एन 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 ढूंढना है, अच्छा मैंने यू लिख दिया और आसान है, ठीक है एन ढूंढना है तो और आसान सर, सर सही आएगा दोनों और स्क्वायर कर दो तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एन टी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन एच, एन अगर ढूंढना है एन हो गया मेरा यू स्क्वायर एच अपॉन टू टी डब्ल्यू स्क्वायर, एन ढूंढना है तो ये आंसर ऐसा। यू स्क्वायर एच टू टू का टर्म कहा गया सर, सर हाँ बोलो सर, अरे सर उसमें डाउट है, इसको यहाँ पुट कर दिया कि मैंने टीपीएस पर ऐसा वैसा एन इक्वल टू आप पुट कर रहे हैं दोनों स्क्वायर कर दो एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इनटू टू इनटू एन इनटू एच अपॉन जी, एक एन कैंसिल हुआ एन मेरा कितना बच गया टू यू स्क्वायर एच टू यू स्क्वायर एच अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर जी, मैं यू निकाला था मुझे लगा यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, मेनी बुलेट्स आर प्रोजेक्टेड एट इक्वल एंगल विथ हॉरिजॉन्टल इन डिफरेंट डायरेक्शन, the area in which these bullets are spread in, question number 2, agar kisi gun se hum log ek bullet ko fire karenge sare angle pe to ye circle banega to iska range hoga us radius ka ek circle banega banega, ab ye angle theta तो मैं चेंज करता जाऊंगा तो ये बुलेट का रेंज अलग 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 होगा, लेकिन ये रेंज जितना मैक्सिमम होगा अगर मैं एंगल भी चेंज करता रहता हूँ तो इसका जो मैक्सिमम एरिया होगा जिसमें बुलेट स्प्रेड होगा
वो क्या हो जाएगा पाई इनटू मैक्सिमम रेंज का स्क्वायर, क्योंकि बुलेट या तो मैक्सिमम रेंज के बराबर जाएगा या उससे कम कहीं जाएगा। पूरे कितने एरिया में बुलेट हो सकता है इसका, और मैक्सिमम रेंज कितना होता है, U square by G. ये हमारा आंसर हो जाएगा pi 2/4 upon G. ये हो गया सेकंड का आंसर। नेक्स्ट फोर्थ, एक ही बार लिख लेना जितना है अभी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, a particle having mass 0.5 kg is projected in the taxi with a speed 98 meters per second at an angle 60 degrees. The magnitude of change in momentum of the particle after 10 seconds. पिछली क्लास में चेंज इन मोमेंटम के क्वेश्चन कराए थे ना, याद है? नहीं? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। यस सर। इनिशियल मोमेंटम m इनटू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ऐसा होगा? हाँ सर। फाइनल मोमेंटम किसी टाइम t पर मास इनटू वेलोसिटी, एक कंपोनेंट चेंज होता नहीं है, u cos y कैसे रहेगा, y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो u sin theta minus g cap, ऐसा होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे, i कैप वाला चला जाएगा, ये बचेगा, तो u sin theta minus g t minus u sin theta, कितना बचेगा, माइनस जी टी जे कैप इंटू एम, ऐसा बचेगा। बोलो मास कितना है, मास कितना है, जीरो पॉइंट फाइव। कौन सा क्वेश्चन था, मास 0.5 केजी और टाइम है 10 सेकंड, 0.5 इनटू जी 10 इनटू टाइम 10, डायरेक्शन किधर, जे कैप नेगेटिव, तो 5 सेंटीमीटर माइनस 50 न्यूटन सेकंड, जे कैप, ऐसा कुछ है आंसर? हाँ, तो जी का वैल्यू अगर 9.8 ले लेंगे तो 50 की जगह 49 होगा, ये आंसर होगा। तो 49 न्यूटन सेकंड नेगेटिव के कैप पे चेंज इन मोमेंटम है, मैग्नीट्यूड पूछा होगा, तो 49 न्यूटन सेकंड आंसर होगा। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज डन। अच्छा, बीच में थर्ड भी था, छूट गया, बताया नहीं तुमने, थर्ड पढ़ता हूँ, अगर फिनिश करके दूर में हो जाएगा तो ये भी कर। इफ इट इज पॉसिबल टू प्रोजेक्ट अ पार्टिकल विद अ गिवन वेलोसिटी इन टू पॉसिबल वे सो दैट इट मे पास थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द प्रोजेक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ टाइम टेकन टू रीच दैट। तो इसमें क्या है, हम लोगों ने देखा था कि किसी प्रोजेक्टाइल का सेम रेंज दो पॉसिबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर हो सकता है, देखा था ऐसा, बोलो, देखा था ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उस केस में क्या था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और 90 माइनस थीटा होता है। हाँ। तो हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ टाइम टेकन पूछा है, तो प्रोडक्ट ऑफ टाइम टेकन का मतलब हो गया t1 इनटू t2, तो 2u sin theta by g multiplied with 2u
साइन 90 माइनस थीटा बाई जी ऐसा होगा, समझा कि नहीं? मैंने क्या लिखा? एक और बोलिए ना, बोलो एक बार और बोलिए ना, बार बार सर समझ गया, समझ गया सर। सेम है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा ही होगा ना। हाँ यस सर, यस सर। तो ये क्या हो गया, 2 यू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये क्या हो गया, U square, G square होएगा ना? अरे हाँ, U square sin theta upon G into G, ऐसा होगा? 4 होगा, numerator में। क्या होगा? Numerator में। हाँ, 4 होगा, 2 to the 4 होगा। यहाँ 4 होगा और यहाँ 2 हो जाए। तो U square sin 2 theta by G क्या होता है? ये किस चीज का फॉर्मूला है? रेंज, रेंज, रेंज का। तो ये क्या हो गया, प्रोजेक्ट का रेंज, रेंज अपॉन जी। तो T1 T2 प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आर के हो गया, प्रोपोर्शनल पूछा है ना, तो T1 T2 इज प्रोपोर्शनल टू आर। बोलो। यस सर। पक्का? यस। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, लगातार 1 2 3 4 सब पूछ लिया आपने। सर 2R by G के बाद क्या करने में बोली ना? क्या 2R by G के बाद? हाँ, के बाद क्या? बोलो। 2R by G के बाद क्या बोलोगे तब? तो ऑप्शन तो नहीं है ना, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। हाँ। क्या लिखा है? If it is possible to project a particle with a given velocity in 2 possible ways so as to make it pass through a point at a distance r from the point of projection. So, क्या निकालना है देखो? क्या calculate करना है? Product of time. क्या बताना है कि R के proportional है या R square के या R cube के, ऐसा ही कुछ ना? तो किसके proportional दिख रहा है? अच्छा हाँ समझ गया, R समझ गया। एम सर ठीक है,
इरेज कर दो आप। रुको सर एक मिनट। आगे बढ़े, हो गया होगा सबका मुझे लगता है। यस सर। हाँ सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर एट एन एल्टीट्यूड 1000 मीटर। हाउ फार फ्रॉम द गिवन टारगेट शुड द बॉम्ब बी रिलीज फ्रॉम टू हिट द टारगेट। तो 144 किलोमीटर पर आवर और 1000 मीटर के हाइट पर एक फाइटर प्लेन जा रहा है। इस फाइटर प्लेन को एक बॉम्ब गिराना है ताकि ये इस टारगेट को हिट करे। इस टारगेट को हिट करने के लिए ये ऐसा 144 किलोमीटर पर आ और ये 1000 मीटर है। 144 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में तो करोगे तो कितना होगा? 144 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में करोगे कितना होगा? 40 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है टारगेट से कितना डिस्टेंस पहले हम यहाँ पर बॉम्ब को रिलीज कर दे कि वो टारगेट पर जाके हिट करे। यही कहानी है। क्यों नहीं हुआ ये सर? नहीं होने का कोई रीजन ही नहीं है। तो 1000 इज इक्वल टू हाफ जी सी स्क्वायर। तो जी इज 10, एक जीरो गया 200, टाइम टी हो गया अंडर रूट 200, दैट इज 10√2 सेकेंड। अब ये जो डी डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? यू इंटू टी, डी इज यू इंटू टी। यू कितना सर, वो राइट साइड वाला पार्ट देखिएगा बराबर 10√2, तो ये कितना हो गया 400√2 मीटर। है ऐसा आंसर? क्वेश्चन था सर वो राइट साइड वाला बराबर देख नहीं रहा। वन थाउजेंड
इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी दिख रहा है अंडर रूट 200, दैट इज 10√2 सेकेंड। ये डिस्टेंस डी क्या होगा, यू इंटू टी, यू कितना है 40, 40 × 10√2 दैट इज 400√2 मीटर आंसर। घर में जाके तुम लोग नोटबुक बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, ये सब क्वेश्चन पूछने का मतलब ही है एक्चुअली में तुम लोग थोड़ा भी पेन नहीं लेना चाहते हो पढ़ने में, इतना इजी गोइंग तो नहीं बेटा पढ़ाई, और कुछ नहीं तो कम से कम आईआईटी की इज्जत रख लो। सर नॉर्मल s इज इक्वल टू d बाय t का फॉर्मूला कैसे यूज हो सकता है, उसमें भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन लगेगा। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा, थीटा क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? क्या क्या जोर से बोलो, थीटा क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हम लोग? क्या नहीं कंसीडर कर रहे हैं? थीटा एंगल। अब ये इंग्लिश का प्रॉब्लम है, ये फिजिक्स का नहीं है। क्वेश्चन एक बार पढ़ो तो मेरे सामने। जोर से क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? Flying at a speed of 144. क्या? An aeroplane is flying at a speed of 144 kilometer per hour at an altitude of 1000 meters. अब चुप करो। 1000 meter के altitude पर plane fly कर रहा है, तो aeroplane 1000 meter के constant altitude पर fly करेगा, तो सीधा जाएगा कि टेढ़ा जाएगा? सीधा। सीधा जाएगा, तो aeroplane सीधा जा रहा है। ये clear हो गया? हाँ। आगे क्या लिखा है पढ़ो, नेक्स्ट लाइन। हाउ फार फ्रॉम अ गिवन टारगेट शुड अ बॉम्ब बी रिलीज्ड फ्रॉम इट टू हिट द टारगेट? पढ़ो, हाउ फार फ्रॉम अ गिवन टारगेट शुड अ बॉम्ब बी रिलीज्ड फ्रॉम इट टू हिट द टारगेट? तो बॉम्ब को क्या किया, रिलीज किया। तो बॉम्ब को रिलीज करेगा तो बॉम्ब के पास किधर वेलोसिटी होगी, जो एरोप्लेन की है वही होगी ना? हाँ। तो एरोप्लेन की वेलोसिटी किधर है? हॉरिजॉन्टल, समझ गया। तो बॉम्ब की किधर होगी? हॉरिजॉन्टल। कहाँ, इसमें फिजिक्स है, इंग्लिश है, इंग्लिश। सॉरी, आया समझ में? हाँ। क्वेश्चन नंबर 10। A boy aims a gun at a bird from a point at horizontal distance of 100 meters. If the gun can impart a velocity 500 meters per second to the bullet, at what height above the bird must he aim his gun in order to hit it? Matlab, question number 10. ये थोड़ा सा टेक्निकली पूछ सकते हो, मान लिया यहाँ पर बर्ड है और यहाँ पर गन है, तो गन से कोई बुलेट छोड़ेंगे तो वो यहाँ जाकर बर्ड को हिट करना चाहिए सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो आपसे पूछा है कि बर्ड से कितने हाइट पर मैं एम करूं, तो अगर मेरे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इस थीटा एंगल पर मैंने एम किया सच दैट ये जाके बर्ड को यहाँ हिट करे, यही कहानी है। तो ये हाइट आपसे पूछा है कि बर्ड से कितने हाइट ऊपर जाकर मैं एम करूं। क्लियर है क्वेश्चन का लैंग्वेज? हाँ। अच्छा, और अब देख लो क्या क्या दिया है। कौन सा क्वेश्चन था नंबर 10, horizontal distance है 100 meter, velocity है 500 meter per second. तो ये है, ये distance है 100 meter,
और ये वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। लोगों को ये एच हाइट ढूंढनी है, मतलब थीटा मिल गया तो ये एच मिल जाएगा, मिलेगा ना? यस सर। यस सर। तो रेंज हो गया 100 मीटर। रेंज क्या होता है? तो 2 इनटू UX इनटू UY अपॉन G, ये है 100, है ऐसा? बोलो। हाँ सर। सर हो गया 2, UX कितना हो गया तो 500 cos theta, UY कितना हो गया तो 500 sin theta upon G, मतलब 10, this is equal to 100, ऐसा हो गया? तो ये दो जीरो गया यहाँ, ये एक जीरो गया यहाँ, तो 50 into 200, 100 into 5, 500, तो ऐसा करते हैं, काम करो, sin 2 theta into cos theta, sin 2 theta is equal to 1 upon 250, ऐसा? हाँ सर, है ना? अब जरा सा आंसर को देखोगे, बहुत छोटा आंसर सब होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, चलो कोई नहीं, आंसर तक पहुंचते हैं। ये थोड़ा बहुत मालूम है कॉमन सेंस से कि अगर थीटा छोटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है थीटा के बराबर। यस सर। और उतना ही टैन थीटा का भी वैल्यू होता है। If theta is very small, then sin theta equals to tan theta equals to theta. ये मालूम है? नहीं। No sir. क्या करें, नहीं मालूम। 1/250 एक छोटा वैल्यू दिख रहा है सर। कितना छोटा है? बहुत छोटा है। कितना वैल्यू क्या है? 1/250। पॉइंट पे 1/250 तो दिख ही रहा है। साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन और टेन जीरो भी जीरो होता है, बट कॉस जीरो वन होता है। मतलब जब थीटा छोटा होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू वन के बराबर होती है और साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर ही होती है इन रेडियन। ये एक फैक्ट है जो याद कर लो, नहीं सॉल्व तो तब भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा के टर्म में मालूम है आपको? चलो मान लो ये छोटा वोटा नहीं आता। साइन टू थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा के टर्म में मालूम है आपको? 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. ऐसा? हाँ सर। भाई यार, मैं सीख लिया। तो ये हो गया। आपने सिखाया मुझे 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is 1 upon 250. तो ये tan theta में quadratic होगा। Yes, 500 tan theta is equal to 1 plus tan square theta. कोई approximation नहीं करना है तो ऐसे solve करो, नहीं तो one line में वही नहीं बता सकते। तो tan square theta minus 500 tan theta minus 1, this is plus 1, this is equal to 0 होगा। तो इस quadratic से tan theta की value मिलेगी।
सर अच्छा और tan थीटा होगा कितना इस ट्रायंगल में p by b that is h by 100 मतलब h by 100 की वैल्यू मिलेगी मतलब h की वैल्यू मिलेगी होगा ऐसा यस सर जल्दी से बताओ tan थीटा का वैल्यू या वो भी मैं ही बता दूं माइनस b 500 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 500 का स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज माइनस 4 अपॉन 2a दैट इज 2 देख रहे हो कितना छोटा है जीरो के बराबर लग रहा है लगभग यस सर देख रहे हो 500 माइनस 4 500 का स्क्वायर माइनस 4 छोटा है ना यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पहले ठीक है तो इसको माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा और प्लस करोगे तो 250 होगा तो tan थीटा की दो वैल्यू मिली आपको एक वैल्यू लगभग जीरो के बराबर और एक वैल्यू 250 के बराबर हो गया ऐसा बोलो ना भाई हाँ सर तो यहां से समझ आ रहा है ना कि tan थीटा बहुत छोटा है ये बात समझ आई कि tan थीटा बहुत छोटा है यस सर ये अगर समझ आ गया तो मैं ये सब नहीं लिखता मैं सीधे ओरली बता देता देखो कैसे ये तो आपको समझाना था इसलिए मैंने इतनी कहानी करी अब मैं इसमें कोई कहानी नहीं करता हूँ ओरली बता जैसे ही ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा तो इस एक्सप्रेशन से मुझे दिख गया कि 2 इनटू कॉस थीटा इनटू साइन थीटा इसकी वैल्यू है 1/250 यस सर हां सर जैसे ही मुझे दिख गया कि थीटा स्मॉल है तो जब थीटा स्मॉल होता है तो cos थीटा की वैल्यू लगभग 1 के बराबर होती है और sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू सेम होती है तो मैं क्या लिख दूंगा इसको 2 into 1 और sin थीटा tan थीटा लगभग सेम है तो tan थीटा इज h by 100 तो h by 100 दिस इज इक्वल टू 1/250 ठीक है तो ये और ये यहाँ गया तो यहाँ से h की वैल्यू क्या मिल गई 25 into 2 50 50 upon 10 that is 5 आई बात समझ में 5 या 1/5 गलत लिख दिया h की वैल्यू क्या हो गई ये जीरो जाने के बाद 10/50 ये 10 इधर गया ना 25 तो 10/50 मीटर दैट इज 10/50 इनटू 100 सेंटीमीटर दैट इज एप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर ऐसा है आंसर तो देखो ये 100 मीटर के रेस्पेक्ट पे ये हाइट कितनी छोटी है 20 सेंटीमीटर आया समझ में तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 ये एक क्वेश्चन है जो आपने पूछा अभी तक तो चलो ये पूछने लायक था क्योंकि इसमें मैथमेटिकल डेवलपिंग थी तो 9 हो गया 10 हो गया अब क्वेश्चन नंबर 11 टू से सर हाँ सर टू किधर गया सर टू इनटू वन वाले में सब हो गया ठीक से देख मल्टीप्लाई हो गया ना 25 से क्वेश्चन नंबर 11 2 सेकंड आफ्टर प्रोजेक्शन अ प्रोजेक्टाइल इज ट्रैवलिंग इन अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल आफ्टर वन मोर सेकंड इट इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी आर अगेन ये पूछने लायक नहीं था बट फिर भी आपको पूछा बता देता हूं
क्वेश्चन नंबर 11 एक प्रोजेक्टाइल है, कहता है 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर होती है और उसके फर्दर 1 सेकेंड के बाद हॉरिजॉन्टल हो जाती है, मतलब यहाँ पर होगा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर और यहाँ पर होगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। इनिशियल एंगल u है और इनिशियल वेलोसिटी u है और एंगल थीटा है, ऐसा मैंने मान लिया। क्वेश्चन पढ़ लिया है सब लोगों ने 11? पढ़ लिया है सबने 11? हाँ सर। तो यहाँ पर 3 सेकेंड में है तो पहला इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया कि टाइम ऑफ लाइट 6 सेकेंड होगा, मतलब 2u sin theta by g की वैल्यू 6 होगी, मतलब u sin theta की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड होगी। ये इक्वेशन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा इंफॉर्मेशन है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये हॉरिजॉन्टल है, एंड हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज होता नहीं है, ये u cos थीटा ही रहेगा, रहेगा? हाँ सर। इस मोमेंट पर वर्टिकल कंपोनेंट कुछ तो vy हो जाएगा मान लो, तो हम ये लिख सकते हैं vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इनटू t, तो uy इज u sin थीटा, ay इज माइनस g एंड t इज 2 सेकंड, तो ये हो गया u sin थीटा माइनस 20, ये हो गया vy, और ये अगर 30 डिग्री है इसका मतलब है कि हम इस ट्रायंगल में जहां पर ये u cos थीटा है और ये vy है और इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर 30 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू vy अपॉन u cos थीटा, लिख सकते हैं? हां सर। हां सर। vy क्या है? u sin थीटा माइनस 20 और u sin थीटा की वैल्यू 30 है, तो इसको हम मोर प्रिसाइजली लिख सकते हैं 30 माइनस 20 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। ये हो गया मेरा 10 अपॉन u cos थीटा, tan 30 1/√3, तो 1/√3 इज 10 अपॉन u cos थीटा, तो यहां से मुझे मिल गया u cos थीटा इज इक्वल टू 10√3, ठीक है? Yes, sir. तो दो इक्वेशन मिल गए, u sin थीटा इज 30 एंड u cos थीटा इज 10√3, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा मिल जाएगा, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो u मिल जाएगा, आया ना? सर ट्रायंगल के नीचे सेकंड स्टेप है 1/√3 इज इक्वल टू 10/u cos, क्या नहीं हो गया? इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो u मिल जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है ना? हाँ। तो u मेरा कितना हो गया? √30² प्लस 10√3² तो 900 प्लस 300, 9 प्लस 3 1200, 1200 का रूट 10√12 मतलब 20√3, तो 20√3 मीटर पर सेकेंड, ये यू का आंसर हो गया। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 10√3 दैट इज √3, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री।
60 डिग्री थीटा हो गया और 20√3 स्पीड हो गया, ये दोनों आंसर होगा। यस सर। समझे कुछ? चलो मान लिया ये भी ठीक क्वेश्चन था, तो ये भी पूछने लायक क्वेश्चन था, ये भी करना आप एक बार वो पोटेंशियल एनर्जी वाला 13th क्वेश्चन बोलिए ना, लिख के करने की जरूरत नहीं, ओरली बोल दीजिए। क्या 13th क्वेश्चन लिख के करने की जरूरत नहीं, एक बार बोलिए। होगा चेटा फिर ऐसे हम फाइनल में लोग सर वो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट क्या लिखा है क्या साइड में? थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। √3 10 में किसका वैल्यू होता है ये सब कॉपी करोगे, देख के कि दिमाग लगाओगे?
tan theta को कंफर्म कर रहा था तो उसके नीचे कॉपी करके लिखो कि थीटा 60 डिग्री होगा कंफर्म कर रहा था कोई कंफर्म नहीं है ये सब मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है tan theta √3 है तो थीटा 60 डिग्री ही होगा देखने की जरूरत नहीं है वो ये ड्राइंग नहीं है कि जैसा जैसा वैसा वैसा ड्राइंग कॉपी कर लिया कर दो मिनट सर हाँ सर रेस कर दो नेक्स्ट कौन सा होगा A particle moves in a plane xy with velocity v is given I cap plus k2 net j cap where ij are unit vector as a the initial moment of the particle located at x is equal to 0 y is equal to 0 is equal to k1 I cap plus k2 net j cap v hai k1 i cap plus k2 is j cap aisa hai yes sir so, common sense se dekho ye kya ho gaya velocity along x aur ye kya ho gaya velocity along y aisa ho gaya होगा वेलोसिटी अलोंग एक्स को तो वेलोसिटी अलोंग एक्स ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स क्या होगा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी अलोंग एक्स इनटू टाइम दैट इज केवल इनटू टी ये एक हो गया ये एक्स हो गया हाँ यहाँ से वेलोसिटी अलोंग वाई k2 इनटू x है x की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो वेलोसिटी अलोंग वाई हो गया मेरा k2 इनटू k1 इनटू t ऐसा हो गया बोलिए सर हाँ x का वैल्यू कैसे आया x था ना x one था ना वैसे आया अच्छा अच्छा समझा सर समझा तो v by हो गया k1 into k2 into t मुझे तो x और y में रिलेशन चाहिए है ना मुझे x और y में रिलेशन चाहिए तो यहां पर थोड़ा सा आपको लगेगा कैलकुलस बिना कैलकुलस के इसको कैसे कर पाएंगे बिना कैलकुलस के आप इसको नहीं कर पाएंगे
देखते हैं कहीं कर पाए तो v equal to u plus 80 होता है हाँ, तो ये वाला जो टर्म है इसको हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन अलोंग y है k1 into k2 तो यहां से दिख रहा है एक्सेलरेशन अलोंग y इज k1 into k2 एंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इज 0 इस एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा बता सकते हैं v equal to u plus 80 सर हाँ वो एक्सेलरेशन अलोंग y कैसे है वो समझा नहीं अरे v equal to u plus 80 हाँ सर हाँ तो जो t का कोएफिशिएंट होगा वो एक्सेलरेशन होगा हाँ सर शंका सर k2 into k1 हाँ सर k1 into k2 तो इसी टाइम y पर पोजीशन क्या होगा ut plus half 80 स्क्वायर तो ये हो जाएगा हाफ a की जगह k1 k2 into t स्क्वायर ये मिल गया मुझे y but मुझे तो y और x में रिलेशन चाहिए तो यहां से मुझे दिख रहा है कि टाइम t इज x by k1 दिख रहा है हाँ सर तो इस टाइम t को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो मेरा हो गया y इज इक्वल टू हाफ k1 इनटू k2 और टाइम t की जगह x by k1 इसका होल स्क्वायर तो ये हो गया हाफ k1 k2 x स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर तो ये k1 गया तो k2 अपॉन 2k1 इनटू x स्क्वायर इज y ऐसा कुछ आंसर है देखिए ऐसा कुछ आंसर है ट्वेल्थ का हाँ Now 14th and 15th. 13th लिख लो 14th logical question है बताता हूँ उससे पहले 15th बता देता हूँ A particle is projected with a speed v from a point O making an angle 30 degree with vertical. At the same instant, the second particle is thrown vertically upward with a speed small v from a point A. The two particles reach H, the highest point of own parabolic path. So V or U correct. सबसे easy question ये है. पहले इसको देख लो. 15. एक प्रोजेक्टाइल को कैपिटल वी वेलोसिटी से वर्टिकल से 30 एंगल पर थ्रो किया और उसी मोमेंट पर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को यहां से स्मॉल वी वेलोसिटी से थ्रो किया सच दैट दोनों यहां पर मिलते हैं ये यहां पर आता है तब मिलता है ऐसे जाके और ये ऐसे जाके मिलता है यही कहानी है ना इस v का ये वाला कंपोनेंट v cos 30 होगा और ये वाला कंपोनेंट v sin 30 होगा अब इन दोनों पार्टिकल के मोशन को देखो दोनों पार्टिकल का y में डिस्प्लेसमेंट सेम है हाँ ना हाँ हाँ दोनों पार्टिकल का सेम टाइम में y में डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों पार्टिकल का y में एक्सेलरेशन सेम है तो एक्सेलरेशन सेम टाइम सेम डिस्प्लेसमेंट सेम मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होगा अलोंग y आया ना हाँ सर स्मॉल v कैपिटल v cos 30 डिग्री के बराबर होगा cos 30 √3/2
तो रूट थ्री बाई टू टाइम्स कैपिटल V. आपसे पूछा है कैपिटल V अपॉन स्मॉल V का रेशियो, तो कैपिटल V अपॉन स्मॉल V इज 2 बाई रूट थ्री. ऐसा कुछ है आंसर? तो 15th इज ऑल्सो डन. ये दोनों कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 14 समझाता हूँ. उसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, ओरली होगा. तो थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ क्या जरूरी नहीं करते? थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ कंसीडर करना जरूरी नहीं है. क्वेश्चन पढ़ा है? हाँ पढ़ा मैंने. वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री दिया हुआ है ना? क्या वर्टिकल के साथ 30 डिग्री दिया हुआ है एंगल? हाँ, तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री लेंगे. क्वेश्चन में लिखा है कि 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, तो क्यों इसमें कंफ्यूजन है कि मैं हॉरिजॉन्टल के साथ हूं? तो मैं हॉरिजॉन्टल में 16 हूं तो सेम आंसर आएगा. हां आएगा ना, वर्टिकल से 30 है तो हॉरिजॉन्टल से 60 ही होगा ना. हां Next answer. क्वेश्चन नंबर 14. सब लोग देखो क्वेश्चन नंबर 14 अपने सामने. इरेज कर दो पहले वाला. क्वेश्चन नंबर 14 के डायग्राम को देखिए. एक ऐसा है, ऐसा है, और एक ऐसा है. ये है ए, ये है बी, ये है सी. ऐसा लिखा है. सुनो जो मैं कह रहा हूं. तीनों का मैक्सिमम हाइट सेम है? यस सर. हाँ सर. तो मैक्सिमम हाइट होता कितना है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू की होता है. हाँ मतलब तीनों केस में यू इंटू साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है. टाइम ऑफ लाइट क्या होता है? सर 3 × 10⁻². और स्पीड होता है. सॉरी टाइम ऑफ लाइट का क्या फॉर्मूला है? 3 × 10⁻². कहां से आया? क्या बोल रहे हो? सर
सर टू यू साइन थीटा बाय जी तो u साइन थीटा तीनों में सेम है मतलब टाइम ऑफ लाइट तीनों में सेम है आया ना हाँ सर हाँ सर तो ऑप्शन ए इज करेक्ट दिख रहा है तो एक ऑप्शन ए करेक्ट हो गया ये दिख रहा है यस सर हाँ सर रेंज क्या होता है यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ लाइट होता है बोलो रेंज क्या होता है यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ लाइट यस सर यस सर टाइम ऑफ लाइट तीनों का सेम है यस सर मतलब जिसका रेंज ज्यादा है उसका यू कॉस थीटा ज्यादा होगा हाँ सर तो हम ये लिख सकते हैं कि u cos theta of c is greater than u cos theta of b is greater than u cos theta of a common sense है yes sir तो horizontal velocity किसकी सबसे ज्यादा हो गई u cos theta तो horizontal velocity होती है ना किसकी ज्यादा हो गई c c की ज्यादा हो गई सबसे ज्यादा c की फिर b की फिर a की तो ऑप्शन c करेक्ट हो गया आया ना हाँ सर सर तो देखो y component of velocity सबका सेम है और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सी का ज्यादा है मतलब ओवरऑल वेलोसिटी सी का ज्यादा होगा फिर बी का फिर ए का यस सर वाई कंपोनेंट तीनों का सेम है तो एक कंपोनेंट जिसका ज्यादा होगा उसकी टोटल वेलोसिटी ज्यादा होगी हां सर एक वेलोसिटी हां सर यस सर वेलोसिटी सी से ज्यादा होगी तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया हाँ सर है ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव और सिंगल चॉइस है तो डी विल बी द आंसर जनका कोच सर लॉजिकली इसको अपने लैंग्वेज में लिख लो साहब लॉजिकली लिखो कि वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर सेम इन ऑल थ्री केसेस बट एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर सी then b then a hey, so net velocity of c will be greater than b than that of the a sir meko bit b ka explain kijiye na please kya u cos theta wala kya u cos theta wala explain kijiye ek bar aur please samajh mein nahi aa rahi time of flight same hai ha range kya hota hai u cos theta into time of flight hota hai ha सर सर हाँ समझ गया सर बोलो ना सुन रहा हूँ उस सी को सी कैसे सही है वो समझा नहीं मेरे को वही बोल रहा था तो बीच में सर सर कर रहा है सॉरी सर टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सेम है हाँ सर रेंज क्या होता है यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट हाँ सर रेंज सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है सी का मतलब और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो यू कॉस थीटा सबसे ज्यादा किसका होगा सी का सर फिर बी का फिर ए का हाँ सर आया समझ में हाँ सर इसलिए कह रहा हूँ सीधे ऐसे मत लिखो अपने अपने लैंग्वेज में अपने अपने नोटबुक में लॉजिक लिख के लिखो नहीं तो कल होके फिर भूल जाओगे कंफ्यूजिंग है ये
आगे बढ़े, हो गया सेवन मिनट। रुको सर एक मिनट। हो गया? हाँ सर। चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब और करते हैं। इसके बुकलेट है सबके पास, मॉड्यूल अभी है। हाँ सर। चलिए सब लोग मॉड्यूल टू निकालिए। मॉड्यूल टू पीडीएफ का पेज नंबर, सॉरी बुकलेट का पेज नंबर 39 और पीडीएफ का बोलोगे तो पेज नंबर 42। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 28 पहले कराया है इस क्वेश्चन को? नहीं सर। बोलो सर पहले कराया है क्या इस क्वेश्चन को? सर नहीं सर, वो मेरे से मॉड्यूल डिलीट हो गया, आप वापस भेज सकते हो प्लीज? ये सारी बातें, मॉड्यूल डिलीट हो गया, कहां से भेजूं? एकदम ये हाइट ऑफ नेग्लिजेंस है। कौन सा पेज नंबर सर? बोला ना बुकलेट में जहाँ पर पेज नंबर नीचे लिखा होता है वहाँ का पेज नंबर 39। 49 सामने बोर्ड पे लिखा दिख रहा है? नहीं वो 39 लिखा है ना, 39 पेज पे नहीं है, इसलिए पेज नंबर भी नहीं ढूंढने आता है। क्या क्या सिखाऊं मैं? बुक में पेज नंबर कहाँ लिखा रहता है?
बोलो बुक में पेज नंबर कहाँ लिखा रहता है? मालूम है पेज नंबर किधर है, लेकिन क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 28 नहीं है मॉड्यूल 2 में। हाँ इसका मतलब है नहीं मालूम है कि पेज नंबर कहाँ रहता है। सर मालूम है सर, नीचे नहीं मालूम है, कॉर्नर में नीचे राइट कॉर्नर में पेज नंबर 39 मॉड्यूल किस मॉड्यूल में काइनेमेटिक्स है मालूम है? मॉड्यूल 1 या 2? मॉड्यूल 2। देखो मॉड्यूल 2 में 39 में क्वेश्चन नंबर 28 नहीं है, सबसे लास्ट वाला है, लास्ट वाला सबसे लास्ट क्वेश्चन। बाकी लोगों को मिला? सर। देखो सबको मिल गया, तो या तो तू फिजिक्स के बदले केमिस्ट्री मैथ का मॉड्यूल खोल रहा होगा, और जिसके पास मॉड्यूल नहीं है मैंने दोबारा से ग्रुप में डाल दिया है, देखिएगा। हाँ सर मिल गया। तुम्हें मिल गया जो पूछ रहा था? हाँ मिल गया सर। देखो पहले क्या ढूंढ रहा था मैं बताऊं? पहले पीडीएफ का पेज नंबर देख रहा होगा तू, है ना? बुकलेट का ही है ना, पर पेज नंबर 39। हाँ सर मैं पीडीएफ का पेज नंबर देख रहा था। हाँ इसलिए मैं दो बार पूछा कि पेज नंबर कहाँ लिखा होता है। देखो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 कीजिए। पहले कराया नहीं है ना ये वाला क्वेश्चन? नहीं सर, सर नहीं कराया। जल्दी से कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सर हाँ ये है क्या आंसर? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। हाँ आ गया सर। अगर बी करेक्ट है तो सी भी करेक्ट होगा ना? नहीं सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? टैन थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा उधर दूसरे साइड पे गया तो टैन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू टैन बीटा, सेम हो गया ना? आया सबको? सर आया, बी आ रहे है। हाँ सर आया। कैसे सर आया? जिसको आया वो बताओ क्या किया।
किसको आया, जल्दी बताओ कैसे किया। तो आया बोलिए कैसे किया। कैसे बोल देते हो आगे आ गया सर पहले। हाँ बोलो ना। ये ट्रायंगल है एबीसी। इसका ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। तो बोला है कि एक प्रोजेक्ट टाइल को यहां से ऐसे थ्रो किया यूएसपी टू थीटा एंगल, ये एंड बी को ग्रेज करके वर्टेक्स सी तक पहुंच गया। ठीक है, मान लो इसकी हाइट स्मॉल एच है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टेन सीटा इज बी बाई बी, तो ये हो जाएगा एच कॉट अल्फा हो जाएगा ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो जाएगा एच कॉट बीटा। इसका मतलब है पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो गया एच कॉट अल्फा कॉमा एच, और इस प्रोजेक्टाइल का रेंज हो गया एच कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। यहां तक कोई दिक्कत है? ये एक ये पॉइंट बी मिडिल में नहीं है, इसके लिए ट्रायंगल है, ये कहीं भी हो सकता है। ऐसा मत समझो कि पॉइंट बी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी है, ऐसा नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। अब मुझे टैन थीटा चाहिए, तो टैन थीटा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में आता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इज इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन r। इसमें ये वाला कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो y की जगह लिख देंगे h, x की जगह लिख देंगे h cot alpha हाँ सर into tan theta
into 1 minus x, which is h cot alpha upon r, that is h common cot alpha plus cot beta. यहाँ तक समझ आया? Yes sir. So ये कुछ ऐसा हो गया, इसको इधर ले जाओ. 1 by cot alpha is tan alpha. So tan alpha is equal to tan theta into 1 minus, या LCM ले लोगे, cot alpha plus cot beta. तो cot alpha जाएगा, कुछ ऐसा बचेगा, cot beta upon cot alpha. ठीक है, अब इसको आगे रीअरेंज करो, देखो आता है कि नहीं आंसर. मुझे सब टैन में चाहिए ना, तो टैन अल्फा टैन थीटा है, इस वाले टर्म को 1/10 कर दो. समझा कोच? हाँ सर. हाँ सर आ गया. आया tan alpha is tan theta is equal to tan alpha plus tan beta. हाँ सर. तो मुझे लगता है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम है. हाँ सर. आगे बढ़े? हाँ सर. हाँ सर. सबको आ गया? आगे बढ़ूं? हाँ सर. इससे एक पेज ऊपर क्वेश्चन नंबर 21 कीजिए. सिमिलर क्वेश्चन जस्ट अभी कराया है इसके लिए.
सर ई आ रहा है, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं ये बताओ। ये नहीं पता तुम लोग नोट करते हो कि नहीं क्लास में, बट एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन अभी अभी तुरंत 5 मिनट पहले किया है, इसलिए दिया है मैंने। किसी को नहीं आया? देखो यार एकदम सिंपल है, अभी 2 मिनट पहले डाउट में यही क्वेश्चन किया है। बी ए बी 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 सी और ये है 30 डिग्री। ये ऐसे गया, ये ऐसे आया और ये ऐसे गया। ये बी है या ए है या सी है? सबसे ऊपर वाला ए है, बी है, सी है, क्या नाम दिया है? बी है, बी है, ए है, ये है बी ए, ये है बी बी, ये सी है और ये है बी सी और ये है 30 डिग्री। यही कहानी है। हाँ सर, कॉमन सेंस अभी सिखाया था, गुस्सा आ रहा है मुझे। ये होगा बी बी साइन 30, दैट इज बी बी बाई 2। ये होगा VB cos 30, that is root 3 VB by 2. A, B, C. चलो A और B को देखो, A और B दोनों सेम टाइम में सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करता है। यस सर। यस सर। दोनों का हॉरिजॉन्टल में सेम एक्सेलरेशन है 0। हाँ सर। तो सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम एक्सेलरेशन, सेम टाइम, मतलब सेम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब मेरा वी ए तो रूट 3 टाइम्स वी बी बाय 2 हो जाएगा। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब बी और सी को कंपेयर करो, दोनों का सेम टाइम में वाई में सेम डिस्प्लेसमेंट है। यस सर। दोनों का वाई में सेम एक्सेलरेशन है -g। यस सर। यस सर। तो दोनों
एक्सियल वेलोसिटी भी सेम होगा, मतलब vb by 2 vc के बराबर होगा। हाँ सर। तो va vb vc में रेशियो मिलेगा, वही पूछा है। यस सर। जल्दी पहुंचो आंसर तक। आया आंसर? आंसर आया सर? आ गया सर। नेक्स्ट सर आ गया आंसर? आ गया सर, समझा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की ऐसा तो अभी किया था, 30 को ये कर लो, 29 करो। क्वेश्चन नंबर 29
सर सी आ रहा है आंसर मैच करके देखिए पीछे आया या नहीं मुझे नहीं पता आया आंसर हाँ सर आया मतलब अप्रोक्सीमेटली आ रहा है अप्रोक्सीमेटली आ रहा है मेरा एग्जैक्ट आ रहा है 600 कौन सा दिया था 2930 कौन सा 2939 वही कहानी है अ बॉम्बर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद कांस्टेंट स्पीड 150 मीटर पर सेकंड एट अ हाइट ऑफ 600 The pilot has to drop a bomb at the enemy target. At what horizontal distance from the target should he release the bomb? Exactly similar question अभी किया था. हाँ sir. हाँ sir. Yes sir. Same था. तो क्यों नहीं आया answer? आ गया sir. C 600. Yes sir. C 600. सबको आ गया? Yes sir. सर नहीं बताने की जरूरत है इसी था सबको आ गया हाँ सर आ गया ठीक है तो एक और करके देखो 30 को करके देखो सिमिलर है वो भी क्वेश्चन नंबर 30 देखिए करके सिमिलर है एयरक्राफ्ट ड्राइव्स
बोलो आया आंसर? नहीं सर। वन मिनट सर, शायद आ जाएगा अभी। वन मिनट, वन मिनट। देखो इधर 1390 मीटर अबव सी लेवल है और थीटा डिग्री ऐसा वैसा, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, इधर वेलोसिटी है ऐसे, केस वन केस टू केस थ्री का या केस थ्री होगा ये? हाँ सर केस थ्री। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 410 410 हो गया 410 मीटर पर सेकंड। ये हाइट है शायद 1390, ऐसा ही है ना? हाँ सर। और ये एंगल थीटा है जिसका टैन थीटा मालूम है, कितना है टैन थीटा? 9/40। तो टैन थीटा 9/40 है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा कितना होगा? साइन थीटा 9/41 और कॉस थीटा 40/41 होगा। हाँ सर ये आ गया। ये तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या है? हाँ सर इतना आ गया। तो ये 410 कॉस थीटा इधर होगा, मतलब ये स्पीड हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड और ये स्पीड हो जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड, हो जाएगी? हाँ सर। तो मुझे टाइम निकालना है, तो -1390 माइनस एच इज इक्वल टू -90 माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ऐसा होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो 1390 इज इक्वल टू 90 प्लस 5 टी स्क्वायर, जी का वैल्यू मैंने 10 ले लिया। क्वेश्चन में कुछ लिया है, लिखा है कितना लेना है? 9.8 दिया है सर। 9.8, तो 9.8 लिख लो, तो 9.8 by 2 4.9 हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दो, 4.9 t स्क्वायर प्लस 90 माइनस 1390 दिस इज इक्वल टू 0 होगा? हो गया सर। क्या है ए? हाँ सर 10 seconds। 10 seconds हाँ सर ए है।
10 seconds आएगा सच में? हाँ सर. कैसे आएगा 10 सेकेंड? लेकिन नहीं 10 सेकेंड कैसे आएगा? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, कैसे बोल रहे हो? आता है क्या? बोलो. मुझे नहीं लगता. चलो सॉल्व कर देता. डी इज माइनस बी. D is minus b, that is minus 9 plus minus under root b square, that is 81 minus वाला होगा नहीं plus वाला होगा. Minus 4hc तो minus minus plus 1390 4 into 4.9 into 1390. अब ये calculation मुझे मुश्किल लग रहा है. मैं g को 10 ही ले लेता हूँ, कौन इतना मेहनत करेगा, तो इसको 5 मिल देता हूँ. इसको 5 लिख देता हूं, मैंने लिख लिया. इसको 5 लिख देता हूं, मतलब पूरा आसान है. अपॉन 2a दैट इज 10, तो -9 प्लस ये देखो 5 4 जा 20 20 into 1390 कितना होगा बोलो? ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड प्लस एटी वन अपॉन टेन ऐसा होगा. तो देखो अब मैं पूरा क्यों सॉल्व करने जाऊं? मेरे पास जो आंसर है, कौन सा क्वेश्चन दिया था बेटा, नंबर क्या था? 30. आंसर है 10, 15, 20, 25. तो एप्रोक्सीमेशन में मेरा काम चलेगा. 27881 इसके आसपास का होल स्क्वायर को कोई है क्या? देखो 50 का 2500 होता है ना? हाँ सर. 55 का 3025 होता है, तो 50 और 55 के बीच कुछ होगा. 51 सर, 51. तो 51 पकड़ लो. 51 माइनस 9 42 बाई 10 4.2 ऐसा कुछ आ रहा है. हाँ सर. सर बट वो ऑप्शन में ही नहीं है. आया समझ में? हाँ हाँ सर. ये 90 होगा और 410 into cos theta, तो ये 400 होगा. इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे, बट ये 400 और ये 90 होगा. तो यहाँ पर 90 होगा, तो यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर 90 होगा, है ना? अब दिख रहा है 10 सेकेंड होगा, यहीं से दिख रहा है. हाँ सर. 10 ही 10 ही आया. अब 10 सेकेंड्स होगा. आया समझ में गलती? ये 90 होगा, 9 नहीं, मैंने 0 कम लिख दिया. हाँ सर. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. होमवर्क मैं भेज दूंगा.
बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। सर अभी हमारे आई थिंक आईसीएसई के बोर्ड होने वाले, उसके लिए हम लोग को छुट्टी मिल रही है ना सर? आई थिंक कौन सा क्लोज होना है? आईसीएसई के एग्जाम होने वाले, उसके आईसीएसई के। देखो ग्रुप में मैंने सर से मैसेज करवाया था, सर ने किया होगा कंपल्सरी। मैं छुट्टी नहीं दे रहा किसी को। अच्छा, क्योंकि आईसीएसई ने भी कंपल्सरी एग्जाम बोला नहीं है। हाँ सर, ठीक है। तो मेरी तरफ से छुट्टी का कोई कंपल्सरी छुट्टी नहीं दे रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग लेक्चर अटेंड करते रहो, लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि नहीं बोर्ड में बहुत ज्यादा दिक्कत है, ऐसा है वैसा है, तो यू टेक अ कॉल। वी आर नॉट गिविंग एनी हॉलीडे एट ऑल। बट और सर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, आपने जो मैसेज भेजा उसमें लिखा है कि आप ये ले सकते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस या कोई। मैंने सर ने जो मैसेज लिखा है, सर ने कहा है कि यू कैन टेक अ लीव, टेक अ ब्रेक। तो यू कैन टेक अ ब्रेक का मतलब ये है कि हम अपनी तरफ से छुट्टी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आईसीएसई की तरफ से भी ये एग्जामिनेशन का कोई कंपल्सन है नहीं सब। तो अगर तुम्हें लग रहा है, फिर भी इंडिविजुअल कॉल है आपका कि आपको प्रिपरेशन के लिए छुट्टी लेनी ही चाहिए, तो आप ले लीजिए, लेकिन हम लोग कंपल्सरली छुट्टी नहीं दे रहे हैं। और सर आपने सेपरेट बैच के बारे में बोला है, वो क्या है सर? क्रिएटर सेपरेट, जो लोग जिन लोगों का कुछ मिस हो जाएगा, हम लोग मान लो छुट्टी ले लिए, कुछ मिस हो गया, उनका एग्जाम के बाद कवर अप हम लोग करने की कोशिश करेंगे अलग से एक बैच बना के। अच्छा, उस बैच में वो बच्चे होंगे जिनका केवल ये मिस हुआ है। हाँ सर, समझा सर। ठीक है। हाँ सर, चलिए बाय। थैंक यू सर, बाय।